जय भीम साथियों, आज रजनी तिलक को हमसे अलविदा हुए एक वर्ष बीत गया है। प्रस्तुत है उनकी जीवन रेखा पर डॉक्टर रूपचंद गौतम का आलेख। आपके साथ मैं हूँ साक्षी गौतम। महिला दिवस हो या चुनावी मौसम आदि सभी दिवसों पर नारी शक्ति की चर्चा होती है। प्रिंट मीडिया में इसी विषय पर आलेख प्रकाशित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनलों पर चर्चा होती है। दोनों ही माध्यम बिना दलित महिलाओं के नारी शक्ति को उल्लेखित करते हैं। ऐसा मार्च 2019 में बखूबी के साथ देखा गया। स्वर्ण जाति की महिलाएं उक्त माध्यमों में लिखती व बोलती दिखाई देती हैं। हिंदू कोडविल हो या श्रम के अनुरूप वेतन, मातृ अवकाश, पिता की संपत्ति में बेटी का हक आदि डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। ऐसे समय में महिलाओं द्वारा नकारा जाना निश्चित ही मनुवादी सोच में लिप्त होना है। ऐसी स्थिति में रजनी तिलक दखल देती हुई 30 मार्च 2018 को हम सब से अलविदा हो गईं। उन्होंने घर परिवार के साथ जीविका पार्जन के साथ डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन में दलित पिछड़ी जाति की महिलाओं को जोड़ने का जीवन भी प्रयास करती रहीं। ये उन महिलाओं के बीच गईं जो मानसिक व शारीरिक रूप से गुलाम थी। पुरुष प्रधानता ने महिलाओं को कभी आकाश में नहीं उड़ने दिया, हमेशा भोग्य की वस्तु ही समझते रहे। तिलक ने अपने जीवन में बुद्ध के संघ को महत्व देते हुए कहा कि आज हम जो भी हैं वह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हैं। जहां सावित्रीबाई फूले को अपना प्रेरणा स्रोत माना, वहीं डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श। एक गरीब परिवार की लड़की का आंदोलन में शरीक होकर झंडा उठाकर गली मोहल्ले कस्बे नगर एवं महानगरों में जय भीम के नारे लगवाना निश्चय ही काबिले तारीफ है। इसी कार्य ने उन्हें रज्जों से रजनी तिलक बना दिया, यानी परिवार वाले उन्हें रज्जो कहकर पुकारते थे। विद्यालय में उनका नाम रजनी था और जब उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर आंदोलन में जुड़ने का संकल्प लिया, तब से ये रजनी तिलक के नाम से जानी गईं। ऑल इंडिया अंबेडकर स्टूडेंट्स फेडरेशन, दिल्ली अखिल भारतीय आंगनवाड़ी यूनियन, दलित लेखक संघ, सेंटर फॉर अल्टरनेटिव दलित मीडिया, कदम, नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वीमेन, नेकडोर, वर्ल्ड डिग्निटी फोरम आदि संगठनों की तिलक सक्रिय कार्यकर्ता रहीं। मानसिक गुलामी, शारीरिक सुरक्षा, तनाव से छुटकारा पाने के लिए 10 साल से लेकर 60 साल तक की महिला को डॉक्टर अंबेडकर आंदोलन से जोड़ा। एक दूसरे की मुसीबत में साथ खड़ा होना सिखाया। इतना ही नहीं, वे एक कुशल संपादक, पत्रकार, लेखिका, कवयित्री के अलावा अंबेडकर जनसंचार की उद्घोषिका भी थीं। बारोजगार होते हुए वे एक यायावर भी थीं। तिलक को हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी का भी ज्ञान होने के कारण वे एक अच्छी अनुवादक भी थीं। अपने जीवन में भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले 1998
पदचाप कविता संग्रह 2000, बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा 2005, शांतबाई दाणी की आत्मकथा मराठी से हिंदी में धूप छाप 2000, शांता कृष्णा जी कांबले की आत्मकथा मेरे जीवन की चित्रकथा का मराठी से हिंदी में नाजा 2009, समकालीन भारतीय महिला लेखन 2011, डॉक्टर अंबेडकर महिला आंदोलन 2012, मुक्ति कामी दलित नायिकाएं 2012, हवा ही बेचैन युवतियां कविता संग्रह 2015, दलित स्त्री विमर्श और पत्रकारिता 2016 आदि पुस्तकें रजनी तिलक की हमें बार बार याद दिलाएंगी। 22 से 23 मार्च 1999 में भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली में नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वीमेन का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तिलक ने कहा कि नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण और उदारीकरण से समाज में काफ़ी अंतर आया है। नई आर्थिक नीति का मतलब है निजी क्षेत्रों का विस्तार, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदारीकरण का द्वार खोला गया ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आकर निवेश कर सकें। भारत के छोटे उद्योगों में कार्यरत निम्न वर्ग के लोगों का हश्र होगा और उन पर आश्रित परिवारों का क्या होगा, यह किसी ने नहीं सोचा। यह सोच तिलक को सामाजिक संगठनों से ही प्राप्त हुई। उनका चिंतन प्रोफेसरों से भी कई गुना आगे का था। वे केवल समाज चिंतक ही नहीं थी बल्कि आर्थिक चिंतक भी थी। पिछड़ी समाज की महिलाओं की तो बात ही छोड़िए, दलित महिलाओं की पढ़ी लिखी महिलाओं ने रजनी तिलक से क्या सीखा, क्या उनकी सोच व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आलेख लिखवा कर पुस्तकों तक ही सीमित रही। डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर वकील जज बनकर लाखों रुपए महीने कमाती हो, क्या उन्होंने तिलक द्वारा महिला आंदोलन के लिए कोष संग्रह किया या लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना की या शोधार्थियों के लिए स्कॉलरशिप प्रारंभ की या तिलक के नाम पर दिल्ली जैसे महानगर में सभागार बनवाया। सच तो यह है कि तिलक की मृत्यु के बाद तिलक पर भाषण देकर अखबारों में रपटे प्रकाशित की, मंचों पर कविता सुनाकर श्रोताओं से तालियां बजवाना ही क्या तिलक का दर्शन था। मैं हूँ साक्षी गौतम, ये थी रजनी तिलक की जीवन रेखा डॉक्टर रूपचंद द्वारा लिखी। फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।